Hello everyone. Today we are going to discuss one short video of history and civics. We are going to discuss the entire syllabus in this video. So guys, let's get into the video. Your first question is, if a person is disqualified to be a member of Lok Sabha on the grounds that he or she holds an office of profit under government of India or of any state, can he or she become a member of Rajya Sabha? ये simply ये बोल रहा है कि अगर कोई इंसान कोई member लोकसभा का member नहीं बन पाया, वो disqualify हो गया, किस basis पे? Because वो person कोई office of profit own करता है, right? Hold करता है, तो क्या वो particular member राज्यसभा का member बन सकता है? Clear है? What is the answer? जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका आंसर. ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? यस, नो, मे बी, कैनॉट से. सो गाइज, इसका आंसर होगा नो. क्लियर है सबको? फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरी मेंबर ऑफ द डैश शैल बिफोर टेकिंग हिज सीट टेक एन ओथ और मेक एन अफर्मेशन बिफोर द प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाई हिम. दैट मीन्स किसके मेंबर्स अपना सीट लेने से पहले प्रॉमिस या फिर ओथ ऑफ ऑफिस लेते हैं प्रेसिडेंट के सामने या फिर किसी ऐसे इंसान के सामने जिसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया हो. तो ये भी याद रखना कि या तो प्रेसिडेंट के सामने या फिर कोई इंसान जिसे प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया हो उनके सामने ही ओथ ऑफ ऑफिस या फिर अफर्मेशन लिया जाता है, प्रॉमिस लिया जाता है. लोकसभा, राज्यसभा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, के नॉट से. टेल मी द आंसर इन द कमेंट्स. जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका आंसर. सो गाइज, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड. क्लियर है? लोकसभा राज्यसभा दोनों में. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. फर्स्ट, अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस कैन रिजाइन बाय राइटिंग टू द स्पीकर. ओके, कोरम ऑफ एनी मीटिंग ऑफ द हाउस इज 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस. बिजनेस इन पार्लियामेंट इज कैरिड आउट इन हिंदी और इंग्लिश, बोथ ए एंड बी. क्या होगा इसका आंसर? अभी तक तो आपको आसानी से ये चीज समझ में आ गई होगी कि इसमें गलती कौन से ऑप्शंस में है. सो ऑप्शन वन एंड ऑप्शन नंबर टू. नाउ कैसे, लेट मी टेल यू. यहाँ पे क्या लिख रहा है? आइदर हाउस, दोनों में से किसी भी हाउस में. सो एच यहाँ पे कैपिटल होगा, याद रखना. हिस्ट्री जब भी सिविक्स में हम हाउस लिखते हैं तो एच कैपिटल होता है. तो यहाँ पे स्पीकर का भी एस कैपिटल होगा. फाइन. तो यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है कि दोनों में से किसी भी हाउस के मेंबर्स जब रिजाइन करते हैं तो वो स्पीकर को लिखते हैं. बट दैट इज नॉट ट्रू. जब लोकसभा का मेंबर रिजाइन करेगा तो वो स्पीकर को लिखेगा, जब राज्यसभा का तो वो चेयरमैन को. क्लियर है? सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट हैपेंस इफ देयर इज कोरम इन द हाउस. अगर हाउस में कोरम है तो क्या होगा? द हाउस प्रोसीड्स इट्स बिजनेस, द हाउस इज एडजॉर्न, द बिल इज रंग, बोथ बी एंड सी. सिंपली इसका आंसर ऑप्शन नंबर वन होगा. क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज टू अफर्म दैट, फर्स्ट ऑप्शन, ही विल कैरी आउट हिज ड्यूटीज ओनली व्हेन नीडेड, विल अपहोल्ड द पॉवर्टी ऑफ इंडिया, विल हैव ट्रू फेथ एंड एलिगेंस इन द टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बोथ ए एंड बी. सिंपली इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए और बी. ओके, विल अपहोल्ड द इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, ये आपको याद है. और वो अपनी ड्यूटीज को कैरी आउट करेगा विथ ऑल द एफर्ट्स. ये भी एक प्रॉमिस है या फिर ये सारी चीजें एक एमपी को अफर्म करनी पड़ती है. क्लियर है? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर. नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा. ये वाला क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा चेंजेस आया है. सो 550, 554, 552 या 543. आंसर होगा 552. अभी ये जो चेंजेस आया है उसके हिसाब से 552 होगा. सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्पीकर होल्ड्स ऑफिस अंटिल ही हिमसेल्फ रिजाइन्स, अंटिल ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस, अंटिल ही रिमेन्स द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड. क्या होगा इसका आंसर? स्पीकर कब तक ऑफिस होल्ड करता है? जब तक वो खुद रिजाइन नहीं कर देता या फिर जब तक वो मेंबर नहीं रहता उस हाउस का. मतलब जब तक वो मेंबर है उस हाउस का, जैसे वो मेंबर नहीं रहा वो अपने ऑफिस से रिजाइन कर देगा. क्लियर है? और एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहती थी कि जब हाउस डिसोल्यूट होता है, मतलब जब हाउस हटता है, तो स्पीकर तुरंत नहीं हट जाता. जब तक नया हाउस का स्पीकर, जब उनका फर्स्ट मीटिंग होता है ना, तो उससे पहले ही स्पीकर रिजाइन कर देता है. दैट मीन्स उसका ऑफिस वेकेंट हो जाता है और जो नया स्पीकर होगा वो आ जाएगा उसके ऑफिस में. सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ. क्लियर? नेक्स्ट, नेम द प्रिंसिपल विच एनेबल्ड डिस्टिंग्विश्ड पर्संस टू हैव अ प्लेस इन द अपर चैम्बर. क्लियर है? अपर चैम्बर ये आपको पता होगा ना. अपर चैम्बर किसे कहते हैं? जल्दी से बता दो मुझे क्या होगा. अपर चैम्बर किसे कहते हैं? जल्दी से बताओ. सो गाइज, आप ये मुझे कमेंट करके बताना कि अपर चैम्बर किसे कहते हैं. क्लियर?
प्रिंसिपल ऑफ अमेंडमेंट, सुप्रीम नॉमिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ नॉमिनेशन या सुपरवाइज कोटा, सुपरविजन कोटा। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ नॉमिनेशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द इमीडिएट कॉज ऑफ ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857? इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल्स, ओके राइफल्स का स्पेलिंग इज रॉन्ग, RIFLES राइफल्स, ऑलराइट। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, सिपॉयज म्यूटनी, अबोथ फर्स्ट एंड थर्ड। यहाँ पर पूछ रहा है इमीडिएट कॉज, तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। याद है सबको? इज इट क्लियर? नेक्स्ट, विच एसोसिएशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1928? रामकृष्ण मिशन, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज या फिर अलीगढ़ मूवमेंट। ऑल राइट, अलीगढ़ मूवमेंट। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट्स। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। सबकी प्रिपरेशन हो गई राइट? जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ब्रह्मो समाज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वीकलीज दैट मेड बिटर अटैक्स ऑन द गवर्नमेंट। मराठा, केसरी, संवाद, कौमुदी या फिर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, दैट इज बाय तिलक। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडिटेड रस्त गुफ्तर इन गुजराती? राममोहन रॉय या राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नारोजी। क्या होगा इसका आंसर? यहाँ पे गुजरातियों पूछा जा रहा है कि कौन एडिट करता था रस्त गोफ्तर। ऑल राइट, क्लियर है? तो कौन करता था बताओ? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सबको क्लियर है राइट? सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल? फाइन। वंदे मातरम वॉज टेकन फ्रॉम विच बुक? विच बुक से, कौन से बुक से लिया गया था? आनंद मत, गुलामगिरी, भारत दुर्दशा, अमृत बाजार पत्रिका। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। लेट मी नो द आंसर, जल्दी से बताओ। सो गाइस इसका आंसर होगा आनंद मत, ऑप्शन नंबर वन। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द आर्य समाज? आर्य समाज किसने स्टार्ट किया था? बहुत फेमस क्वेश्चन है, सबको पता होगा राइट? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंदा, ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन रॉय। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, डीएवी। भी तो एंग्लो, डीएवी का फुल फॉर्म आप सभी को पता है ना, एंग्लो वैदिक। सो वे आर्य समाज का ही वो पार्ट है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नेशन इन मेकिंग वॉज रिटन बाय हुम? किसने लिखा था? ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने, दादा भाई नौरोजी जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या फिर डब्ल्यू सी बोनर जी ने? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। क्लियर है सबको? टुडे वी डोंट हैव मच टाइम, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। विच मूवमेंट वॉज मेंट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज? बॉयकॉट, स्वदेशी, नॉन कॉपरेशन या सिविल डिसोबीडियंस? मेनली यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की बात की जा रही है, दैट मीन्स द आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। इज इट क्लियर टू ऑल? स्वदेशी मूवमेंट याद रहेगा सबको। चलो फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीडर्स हैविंग मॉडरेट पॉलिसीज आस्क्ड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट अंडर ब्रिटिश राज, सॉरी ब्रिटिश क्या लोग हैं, ब्रिटिशर्स या फिर ब्रिटिश राज, वट एवर। क्लियर है ना ये चीज? डोमिनियन स्टेटस, ऑल राइट, एब्सोल्यूट स्वराज या एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस, वट एवर, स्वराज, ऑल राइट, या फिर बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। सो मॉडरेट लीडर्स क्या चाहते थे? कि उन वो एक सेल्फ गवर्नमेंट उन्हें मिले और वो ब्रिटिश राज या ब्रिटिश क्राउन के अंडर में या फिर एक डोमिनियन स्टेट। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज डिस्क्राइब्ड एज फादर ऑफ इंडियन आंदोलन? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। सबको इसका आंसर पता ही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तिलक। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द कंटेंट्स ऑफ नेशनल एजुकेशन? नेशनल एजुकेशन के क्या क्या कंटेंट्स है? सेक्युलर एजुकेशन, इंडस्ट्रियल एजुकेशन, सिविल एजुकेशन, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट्स। सो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, दैट इज बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, सेक्युलर और इंडस्ट्रियल। ओके, वोकेशनल भी होगा, मैं पहले बता दे रही हूँ, रिलीजियस, वोकेशनल, मोरल, ये सब कुछ आता है। Which one is not the objectives of Muslim League? To place the needs and aspirations of Muslim in front of company,
ऑल राइट, सी कैपिटल होगा कंपनी का, बिकॉज ये ईस्ट इंडिया कंपनी को सिग्निफाई कर रहा है, डिनोट कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है. टू प्रमोट अमंग इंडियन मुस्लिम्स फीलिंग्स ऑफ दिस फीलिंग्स ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश राज, ये भी सही है. टू प्रिवेंट द राइज ऑफ एनी हॉस्टिलिटी बिटवीन मुस्लिम्स एंड अदर कम्युनिटीज, करेक्ट. टू प्रोटेक्ट पॉलिटिकल एंड अदर राइट्स ऑफ मुस्लिम्स, सो इसका आंसर सिंपली ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, बिकॉज वो क्या करते थे, गवर्नमेंट के सामने अपनी नीड्स को रखना मेन ऑब्जेक्टिव था. क्लियर. नेक्स्ट, when did the Gandhi's historic march between historic march, all right, historic march from Sabarmati ashram to Dandi took place, clear hai, just a second mujhe yahan pe likhne do, historic march from, all right, samajh mein aa gaya na question, historic march kahan se shuru hua tha, Sabarmati ashram se Dandi tak kab hua tha ye, 12th of March 1930, 15th of April 1932, 22nd July 1922 या फिर 30th of July June 1931. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सिंपली ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा. मैं ज्यादा आपको डेट्स वाले क्वेश्चंस नहीं दे रही हूँ, बट जितने भी दे रही हूँ उतना याद रखना, भूलना मत. नेक्स्ट क्वेश्चन, When was the Rowlatt Act passed? कब पास हुआ था? 1920 में, 1930 में, 1919 में या 1922 में? जल्दी से बताना मुझे कमेंट करके. क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज 1919. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज अ फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्म, फॉरवर्ड ब्लॉक कब फॉर्म हुआ था? 1940 में, 1936 में, 1939 में या फिर 1945 में? ऑप्शन तो दिख रहा है, क्या होगा इसका आंसर? सिंपली ऑप्शन नंबर थर्ड. याद रहेगा, भूलना मत, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हेन वाज द आजाद हिंद फौज फॉर्मली इस्टेब्लिश, हमने सारा क्वेश्चन नहीं किया है, सारे डेट वाले, बट जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे हैं उतने सारे हम कर ले रहे हैं, ताकि अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए तो आसानी से आप कर सको सॉल्व. सो कब कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1940 में, 1942 में, 1939 या 1945? सीधे फॉरवर्ड ब्लॉक के बाद नेक्स्ट ईयर, दैट इज सॉरी, फॉरवर्ड ब्लॉक तो आपका 1939 में हुआ था ना, तो उसके 3 साल बाद, ठीक है, 1942 में. क्लियर है, सेकंड ऑप्शन. नेक्स्ट, हु वाज सेंट विद द डेफिनेट ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पावर टू इंडिया? सर क्रिप्स, ओके, स्टेफोर्ड क्रिप्स या सर क्रिप्स, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिनलिथगो. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लॉर्ड माउंटबेटन. याद रहेगा ना, भूला मत ये. सो Guys, these were the questions for your history and civics examination one shot video. So guys, I hope aapko video achhi lagi hogi. All the best for your examinations. God bless you all and do your best. All the best.